गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू चैनल स्टडी अनु स्वागत है आप सबका वाई फाई स्टडी टू पॉइंट पर जल्दी से मुझे बताइए मेरी आवाज़ आ रही है तक क्लियरली ऑडिबल गुड मॉर्निंग एवरी वन अप्रैल की फर्स्ट क्लास हो रही है आज हमारी और फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी थोड़ा होमवर्क भी दूंगी और कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब थोड़ी बढ़ भी जाएगी आरंभ बैच ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो हमने जनवरी से स्टार्ट करके फरवरी तक लेकर हम आरंभ को लेकर गए थे आरबीआई के जो हमने क्वेश्चंस किए आरंभ में जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए वो एक लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ आप लोगों का साथ उसमें बहुत इम्पोर्टेंट था आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा समझा बहुत ज़्यादा सीखा उससे और इसीलिए आरंभ अब बन चुका है आगाज़ क्यों क्योंकि अब आ चुका है हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम्स हम बात कर रहे हैं एस की हम बात कर रहे हैं आई की हम बात कर रहे हैं आई में चाहे पी क्लर्क आर कोई भी एग्जाम हो हम उन सब की बात कर रहे हैं सो so, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्योंकि आज के सेशन से और आज से हमारा आगाज 2022 शुरू हो रहा है नाम बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे स्टार्ट करने वाले हैं उसी नाम के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे बस मुझे बताओ मेरी आवाज आ रही है आप तक इज एम क्लियरली ऑडिबल एंड इफ येस देन गिव मी अ थम्स मैम यू आर ऑडिबल ओके okay, सो so, आगाज़ 2022 आपको बताता है कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अब हमारी प्रैक्टिस इस सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए कि हम YouTube और ऐप दोनों में फ्री क्लासेस की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ कर सकें आप देख रहे हैं अन अकेडमी ऐप अन एकेडमी ऐप का चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 डेली यहां पर जो आपकी क्लास है वो होगी वो होगी 11 एम तो आपको जुड़े रहना है 11 बजे 11 एम अगर आप डेली यहाँ पर में रहते हैं तो आपको दो फायदे होते हैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है क्योंकि पूरी क्लास किस पर बेस्ड है आपके बेसिक अप्रोच से लेके स्टैंडर्ड अप्रोच तक तो अगर आपको रीजनिंग में कुछ नहीं भी आता तो भी ये सेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है और अगर आपको बहुत कुछ आता है तो तो आपके लिए बेस्ट है ही क्योंकि हम हर क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके चलते हैं कभी सिर्फ मॉक पर बिलीव नहीं करते हैं मॉक के साथ उसके एनालिसिस और सोल्यूशन के साथ टेस्ट को स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ जब आप यहाँ पर वाईफाई स्टडी पर क्लासेस लेते हो तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अनएकेडमी ऐप का अन अकेडमी ऐप में मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं फ्री के साथ प्लस और आइकॉनिक क्लासेस भी होती हैं ये दोनों क्लासेस के डिफरेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्लस क्लासेस आपको लाइव क्लासेस देती हैं वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस देता है वहीं पर आइकॉनिक आपको पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर टेस्ट अनालिसिस आपका स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है तो जब आप अपने आप को एक लेवल अप लेना चाहे तो आप आइकॉनिक में जरूर कन्वर्ट हो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं तो 30th मार्च से स्टार्ट होने वाला ये SBI PO का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियर बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ आप ये सारे सॉल्यूशंस का सारे डाउट्स का सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं आ, प्लानिंग अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम देने का तो आपके पास इंट्रोडक्शन है कन्नड़ तेलुगु तमिल और इंश्योरेंस एग्जाम का नया जो स्कीम निकला है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं और इसके साथ प्राइस हाइक जो होने वाला है आप उसको ज़रूर कंसेंट्रेट करें क्योंकि प्राइस हाइक आपके सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा बढ़ा देगा तो आप इसको कन्वर्ट करके अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 24 मंथ 12 मंथ 6 मंथ 3 मंथ 1 मंथ कोई भी पैकेज बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है आप एन टी यूज़ करें और उसके साथ प्रोसीड टू पे करें सिर्फ प्लस ही नहीं अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक में सेम आपको यही करना है इसको आइकॉनिक का स्लाइड आई थिंक लगा नहीं है तो आइकॉनिक पे मैं बता दूं सेम आपको एन टी आर टेन यूज करना है और प्रोसीड टू पे करना है आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रोहित रूपा सिंह रोहित सिंह सतीश राउत अ वेरी गुड मॉर्निंग चलिए एक चीज याद रखो कि 11 बजे वाली ये क्लास आपको डेली भूलनी नहीं है और डेली क्लासेस के साथ साथ आप अपने स्ट्रैटेजिक जो आपकी स्टडी है उसको फॉलो कर सकते हो तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आप क्लास करना शुरू करो चलो ठीक है यहां पर मैं आपको सिर्फ Uh, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगी नहीं होमवर्क भी दूंगी तो बहुत ईमानदारी से आप करना और उसके बाद होमवर्क सबमिट भी कराना मलय तिवारी अ वेरी गुड मॉर्निंग इन दिस क्वेश्चन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाई टू कॉन्क्लूज़न आपके पास स्टेटमेंट यानी कथन गिवन है और कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष गिवन है आपको इसको फॉलो करके आंसर बताना है कि क्या फॉलो करेगा और कैसे फॉलो करेगा बहुत ध्यान से इसको बताओ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुत ध्यान से चलो बहुत ध्यान से करो और उसके बाद बताओ क्या करेक्ट हो सकता है देखो W और Y का हमें रिलेशन बताना है W जो है वो Y से बड़ा है तो W यहां पर है Y यहां पर है अब इनमें से कोई ऐसा रिलेशन हमें ढूंढना है जो इनका पड़ोसी हो और इन दोनों को मिला सके यानी W और Y को मिला सके तो हमने यहां पर देखा Q Z C और W D E S Y Q। तो Q हमें मिला सकता है तो अगर हम Y इज इक्वल्स टू Q करें और Q इज लेस देन इक्वल्स टू Z, Z लेस देन इक्वल्स टू सी और इक्वल्स टू तो क्या ये स्टेटमेंट फॉलो कर सकता है बिल्कुल कर सकता है बिल्कुल कर सकता है सो so, यहाँ पर W ग्रेटर देन वाई क्या हो सकता है क्या क्या डब्लू वाई से बड़ा हो सकता है बिल्कुल नहीं क्योंकि ये वाई है वाई और क्यू एक ही फेज पर है और C और W एक ही फेज पर है अब बहुत ध्यान से देखो कि ये दोनों जब बराबर है तो बचे बीच में दो एलिमेंट्स जो दो एलिमेंट बचे हैं वो क्या है वो ग्रेटर इक्वल है तो इसका मतलब W ग्रेटर नहीं है सिर्फ क्या है ग्रेटर इक्वल है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी सेम D लेस देन C, तो D लेस देन C कैसे करना है आपका C यहाँ पर गिवन है C इज इक्वल्स टू W और उसके बाद डी बताना है तो यहां पर क्यू को ही हम आगे लेकर जा सकते हैं तो देखो क्यू कैसे करोगे यहां पर ध्यान दो इसको इरेज कर दो और अब इसी स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ जाओ क्या करना है क्यू यहां पर गिवन है सो क्यू लेस देन इक्वल्स टू जेड और जेड लेस देन इक्वल्स टू सी सीधा सीधा कंक्लूजन क्या दिखा हमें क्या बताना है डी लेस देन सी तो क्या डी सी से लेस देन है अब आपको यहां पर नोटिस करना है एक चीज डी सी से लेस देन है तो यस लेस देन का पहला साइन लेस देन का दूसरा साइन लेस देन का तीसरा लेस, लेस देन का चौथा साइन अब डी लेस देन सी है कि नहीं है जरा बताओ डी लेस देन सी बिल्कुल होगा ट्रू कहा जाएगा इसको तो यहां पर इसको ट्रू कर दो और आपका सेकंड ट्रू हो जाएगा डन जरा बताओ क्लियर है कि नहीं सबको क्लियर है जल्दी से बताना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में दो जब तक क्लास का टाइम क्या है क्लास का टाइम डेली इलेवन ए एम अगर आप डेली क्लास करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सेम कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलो करेंगे कथन और निष्कर्ष आपके पास गिवन है आपको आंसर बताना है कि के और डी और टी और ओ का क्या निष्कर्ष यानी क्या कॉन्क्लूजन निकलता है कंप्लीट क्लास है क्या ये बिल्कुल राहुल ये कंप्लीट क्लास है आगस्ट 2022 आपके अपकमिंग एग्जाम पर कंसंट्रेट करता है तो डेली 11 बजे आप जो यहाँ सेशन लोगे वो आपको आपकी अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएगा ठीक है चलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रही है जिसको जिसको वीडियो क्लियर नहीं आ रही है आप एक बार सेटिंग्स में जाके अपना एडवांस सेटिंग कर सकते हैं क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा सा आपको दिखना शुरू हो जाएगा ठीक है चलो हिंदी में नहीं होता मैम बच्चे हिंदी में कथन और निष्कर्ष तो हिंदी में दिया है ना बाकी को हिंदी में कैसे करूं जैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है वैसा ही गिवन है ठीक है चलो बताओ सेकंड क्वेश्चन अब देखो के और डी के और डी कहाँ है हमें के और डी को ढूंढना है और देखना है के और डी कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं सो नाउ के और डी के बीच में हम जब साइन देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये साइन एक आपका कैसा जा रहा है इस तरफ जा रहा है दूसरा साइन कैसा जा रहा है इस तरफ जब भी ऑपोजिट साइन हो जाता है क्या हो जाता है रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता हमें बिना देखे क्या कर देना है इसको फॉल्स कर देना है ये तो हो गया फॉल्स नेक्स्ट टी इज ग्रेटर देन ओ तो टी को यहाँ देखो ओ को यहाँ देखो सेम कंडीशन में क्या हो रहा है दोनों ही क्या हो रहे हैं ऑपोजिट हो जा रहे हैं यानी ये आपका ग्रेटर 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 यहाँ से आ गया लेस देन लेस देन तो ओ और टी को जब देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स दोनों ही स्टेटमेंट मिलके क्या बनेंगे नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकेंड ट्रू क्लियर है सबको क्लियर है सबको जरा बताओ पॉइंट डन नेक्स्ट नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष बहुत ध्यान से फोर हां नाइदर करेक्ट है वैभव का करेक्ट है एकदम जिसको स्क्रीन क्लियर नहीं है वो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं आप सेवन ट्वेंटी थ्री सिक्सटी कर लोगे तो आपको बहुत ईजिली दिखेगा सारा गुड मॉर्निंग अनुज डेली क्वेश्चन होते हैं हां बच्चे डेली होते हैं नेक्स्ट आपका जी और वाई आंसर बताना शुरू करो जी लेस देन वाई जी यहां पर है आपका वाई कहाँ है देखो यहां पर वाई यहां पर है तो जी और वाई के बीच में कितने साइन है वन टू एंड थ्री अब देखो यहां पर अगर मैं सीधा सीधा लिखूं तो जी के साथ क्या रिलेशन है जी आ, आपका पहले वाई लिख दो यहां पर ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो यहां पर क्या करना है आपको y लिख देना है y इज इक्वल टू एल ग्रेटर देन p ग्रेटर देन t ग्रेटर इक्वल टू जी सिंपल तो जी के साथ वाई का रिलेशन क्या होगा ग्रेटर 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 आपका वाई इसका मतलब ग्रेटर है ट्रू होगा बिल्कुल सही होगा कि वाई यहाँ पर ट्रू हो जाएगा एल ग्रेटर देन सी अब एल को देखेंगे तो वाई के बाद एल था और हमें करना किसका है सी का तो जी के बाद ग्रेटर इक्वल सी भी था ग्रेटर इक्वल सी भी था तो अब हम क्या करेंगे एल ग्रेटर देन सी क्या एल सी से बड़ा था तो देखो एल और सी में हमारे पास दो साइन आ गए एक ऐसे और एक ऐसे तो जहां ऑपोजिट साइन आया हमारा आंसर क्या हो जाता है रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करता है तो जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करेगा तो इसको फॉल्स कर देंगे सिर्फ फर्स्ट फॉलो करेगा अच्छा एक रूल तो याद है ना आपको रूल क्या था कि जब भी हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो हमको एक चीज याद रखनी होती है जो साइन ज्यादा होता है प्रेफरेंस उसको मिलती है फॉर एग्जाम्पल मान लो एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है इन दोनों के बीच में ग्रेटर 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 के तीन साइन हैं तो आंसर ए ग्रेटर देन बी होगा मान लो ए और बी के बीच में ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर आ, इक्वल है अब क्या होगा रिलेशनशिप तो हमको ये देखना है कि ग्रेटर साइन कितना है ग्रेटर के तीन साइन है एक दो और तीन तीन साइन ग्रेटर के होकर इक्वल टू का साइन कितना है दो वन और टू तो जो साइन ज़्यादा होता है वही उसको ही प्रेफरेंस मिलती है तो अब ए और बी का रिलेशनशिप क्या होगा तीन ग्रेटर के साइन है तो ए ग्रेटर देन बी ही होगा ए ग्रेटर इक्वल टू बी नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर इक्वल करने के लिए तीनों को बराबर होना पड़ेगा नहीं तो जो साइन ज़्यादा प्रेफरेंस उसको इस रूल के साथ कभी भी इनक्वालिटी करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी चलो नेक्स्ट बहुत ध्यान से नेक्स्ट करो गुड मॉर्निंग टारगेट आर्मी ये रीजनिंग है राहुल ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे अब देखो सी इज इक्वल्स टू एस और सी इज C इज़ इक्वल्स टू एस और C ग्रेटर देन एन कंडीशन यहाँ पर देखो और समझो क्या कहना चाह रहा है कंडीशन ने कहा C का रिलेशन s के साथ बताना है तो अब हम C और s को एक बार देखेंगे C इज ग्रेटर देन h, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई ग्रेटर इक्वल्स टू एस अब सी और एस का रिलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया हमको साइन देखना है वन टू थ्री यानी तीन साइन हमारे पास ग्रेटर के हैं वन टू थ्री तीन साइन हमारे पास इक्वल्स के हैं तो अब सी का रिलेशन एस के साथ अब सेम कंडीशन में आपको क्या देखना है देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम एस के साथ सी का रिलेशन बोला है तो एस इज इक्वल्स टू एन अब देखो सी बड़ा इक्वल भी है क्योंकि एस और एन बराबर है और C और ग्रेटर C बड़ा भी है तो देखो C S के इक्वल भी है कैसे क्योंकि इक्वल्स टू का भी साइन है और C बड़ा भी है कैसे क्योंकि ग्रेटर का साइन है तो अब हमें क्लियरली समझ आ गया कि जब सेम एलिमेंट जब सेम एलिमेंट आपके सामने आते हैं किस सिचुएशन में इक्वल्स टू और ग्रेटर यानी कि दोनों ही मैच करते हो ग्रेटर भी है इक्वल भी है तो आप क्या करोगे इसको आइदर बोलोगे या तो पहला सही हो सकता है या दूसरा सही होता है इसी कंडीशन को आइदर कहा जाता है बहुत ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्लियर है सबको तो यहां पर क्या होगा आइदर कॉन्क्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज इज योर आंसर डन जिसको क्वेश्चन क्लीन नहीं दिख रहा है एक पर अपना क्वालिटी बढ़ाकर देखो नेक्स्ट सेम आपको क्या करना है निष्कर्ष निकालना है इसका आपको क्या करना है एस इज ग्रेटर इक्वल टू पी एस ग्रेटर इक्वल टू पी कैसे करोगे सबसे पहले इसको नोट डाउन करो पी लेस देन इक्वल्स टू क्यू लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू एस P और S का रिलेशन बोला है और कह दिया S ग्रेटर इक्वल है S ग्रेटर इक्वल है यस yes. तीनों साइन मैच कर रहे हैं तीनों ग्रेटर का है और तीनों इक्वल है बिल्कुल मैच कर रहा है इसको ट्रू कह देंगे E इज़ ग्रेटर देन R तो E यहाँ पर है R यहाँ पर है बना देंगे R लेस देन इक्वल्स टू S लेस देन D लेस देन इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू T लेस देन इक्वल्स टू E ध्यान से देखो E बड़ा है R से तो यहाँ पर E को देखो कितने साइन है वन टू थ्री फोर चार तो हमारे ग्रेटर के हो गए वन टू थ्री अब यहां पर कंडीशन क्या करोगे तीन हमारा क्या हो गया तीन हमारा इक्वल्स का हो गया इक्वल्स का तीन अब क्या करोगे इस कंडीशन में भारी पड़ेगा क्या ग्रेटर का साइन तो ये भी हो जाएगा ट्रू और आपका आंसर होगा बोथ कॉन्क्लूजन फॉलो यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही फॉलो करेगा बहुत ध्यान से देखो डन क्लियर है कंडीशन यस yes, क्लियर है सबको जल्दी से बताओ नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पेयर ऐसे कितने पेयर लेटर है इसमें कौन सा वर्ड है सिग्नेटा वर्ड क्या है एस आई जी एन ई डबल टी ए सिग्नेटा एक वर्ड है ऐसे कितने पेयर्स ऑफ लेटर है इसमें सिग्नेटा में चो विच हैज मैनी लेटर बिटवीन देम इनके बीच में बहुत सारे लेटर होंगे यानी कॉन्जिक्यूटिव वे में यानी क्रम क्रमानुसार आएंगे दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लगातार क्रम में आने वाले क्रमानुसार वो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एल्फाबेटिकल सीरीज आपको बहुत अच्छे से बताया है ऐसे क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है क्वेश्चन को क्या करना है हमें सिंपली सबके नंबर्स लिख लेने हैं क्या करना है सबके नंबर्स लिख लेने हैं जल्दी से सबके नंबर लिख लो एस का नंबर क्या होता है एस का नंबर इज नाइनटीन आई का नंबर नाइन जी का सेवन एन का फोर्टीन ई e का फाइव टी का ट्वेंटी टी का ट्वेंटी ए का वन समझ गए कंडीशन सारे वर्ड्स के हमने क्या कर लिए सबके हमने लेटर नंबर लिख लिए कि कौन सा लेटर नंबर कैसे आएगा अब हमें बड़ा आसान हो जाएगा ये ढूँढना कि कितने नंबर ऐसे बन रहे हैं बहुत आराम से ढूँढ सकते हो यहाँ पर ट्वेंटी और ट्वेंटी गिवन है अब देखो वन टू थ्री फोर बिल्कुल भी नहीं हो सकता फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन नहीं हो सकता 4, अब यहाँ पर सेवन और नाइन नहीं हो सकता वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नहीं हो सकता तो ढूंढो जरा क्या हो सकता है फाइव सिक्स सेवन एट नहीं हो सकता एनी वन आपके हिसाब से और कौन सा हो सकता है टी ट्वेंटी ए वन बहुत ध्यान से ऐसे कितने शब्द इसके बीच में बन सकते हैं जो आपको बताने होंगे जल्दी जल्दी से बताओ फाइव सिक्स सेवन फाइव सिक्स सेवन बन सकता है यानी सेवन और फाइव के बीच में हमें मिल गया एक का डिफरेंस एक का डिफरेंस यहाँ पर हो गया और इजीली सेट हो गया इसके अलावा और कोई नंबर बन रहा है देखो ज़रा और कोई नंबर बन रहा है बिल्कुल नहीं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए वन यानी सिर्फ एक ही है जो बन रहा है और अपना आंसर बता रहा है बिल्कुल फाइव सिक्स सेवन एकदम करेक्ट है रूपा सिंह सानिध्या एकदम करेक्ट है करेक्ट 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस डन नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर हम आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग पर कोडिंग डिकोडिंग करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है जो हमें वर्ड दिख रहा है उस वर्ड को ही ढूंढना है देखो इसको गेम की तरह लेना एकदम एक गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते हम कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं बस रेडी हो जाओ गेम के लिए हमको कोडिंग निकालना है ठीक है कोड कैसे निकालना है गेम खेलना शुरू करो आपको ढूंढना है इन पूरे नंबर्स में इन पूरे वर्ड्स में कि सबसे पहला वर्ड पार्किंग कहाँ लिखा है और यहां पर सारे वर्ड्स को पहले लिख लो आपको भी यही करना है पहली बार करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस गेम के लिए रेडी हो जाएं। पार्किंग हो गया टाइल हो गया डिजाइन हो गया आपका डबल हो गया आपका फ्लोर हो गया आपका पैटर्न हो गया ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाओ और सारे वर्ड्स को वापस लेके आओ पैटर्न के बाद आपका पार्किंग पर हो 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 ही गया 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 डिजिटल 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 कार 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 के बाद हो गया। दिजिटल और दिजिटल के बाद बाद और फ्लोर हमने कर लिया है हाँ बिल्कुल कर लिया है अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है शुरू हो जाओ गेम शुरू करते हैं अब ढूंढो यहाँ पर पार्किंग कहां लिखा हुआ है सारे कोड को डी कोड ऐसी करेंगे पार्किंग यहां पर लिखा है इसके अलावा पार्किंग कहा लिखा है पार्किंग यहाँ लिखा है इस टाइल और डिजाइन कहीं और लिखा है नहीं हमें नहीं दिखा पार्किंग और पार्किंग मिलते ही मुझे क्या करना है अब ढूंढना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो यहाँ पर मैच कर रहा है तो जी वाई टी और जी वाई टी यानी पार्किंग का कोड क्या हो गया जी वाई टी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हमने तुरंत डी कोड कर लिया नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम टाइल पर टाइल यहां पर गिवन है टाइल यहां पर गिवन है दो जगह हमें टाइल दिखा अब हम ढूंढेंगे किसको अब इससे ही जुड़े शब्द यानी एस आर सी और एस आर सी को तो टाइल का हो गया एस आर सी बताते जाओ आप जितनी जल्दी मुझे बताते जाओगे उतनी जल्दी हम करते जाएंगे Yes, बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्या हो गया नेक्स्ट हम अब डिजाइन का तो हम निकाल ही सकते हैं, डिजाइन का हो गया तो एन जे यू तीन कोड बहुत आराम से निकल गए नेक्स्ट आपका आता है डबल तो डबल यहाँ पर है फ्लोर पैटर्न डबल यहाँ पर है तो डबल और डबल के कोड से क्या होगा बी एन टी बी एन टी तो डबल का फ्लोर क्या हो गया बी एन टी अब इसके बाद पैटर्न आया और फ्लोर आया तो फ्लोर गिवन है फ्लोर यहाँ गिवन है दोनों फ्लोर को देखो और इसके बाद देखो क्यू पी एस फ्लोर का हो गया क्यू पी एस बहुत आराम से निकल गया पैटर्न बच गया तो डी आर एफ बचा एक पैटर्न का कर देंगे डी आर एफ अब बचा किसका कार का और कार के बाद किसका बचा डिजिटल का तो डिजिटल यहां पर हमें मिल जाएगा क्योंकि फ्लोर हमें मिल चुका है तो डिजिटल हो गया ड्यू और कार का क्या हो गया कार का हो गया सी वी आई बताओ बहुत मुश्किल था क्या इससे इजी कंसेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता है ये फ्री का मार्क्स होता है कि इसको मिलते के साथ पाँच नंबर मिला आपका फ्री डन बिल्कुल गेम सबको समझ में आ गया बिल्कुल करेक्ट है गेम सबको क्लियर हो गया आई थिंक ठीक है तो अब आपको करना क्या है अब आपको सिंपली ये करना है कि आपको मुझे बताना है अब आपको सिंपली बताना है कि कोड क्या है फ्लोर का जल्दी से देख के बताओ फ्लोर का कोड जल्दी से देख के बताओ क्या होना चाहिए फ्लोर का कोड ऑप्शन आपके पास गिवन है फ्लोर का कोड क्या होना चाहिए जल्दी से फर्स्ट यानी कि क्यूपीएस वेरी गुड फ्लोर का कोड हो गया फर्स्ट यानी क्यूपीएस अब इसी के साथ आपको बताना है कि द कोड जी वाई टी स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाई टी किसका कोड था आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए जी वाई टी किसका कोड था जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए जी वाई टी किसका कोड था भाई जी वाई टी का कोड बहुत ध्यान से वाई टी का कोड बताना है पार्किंग का बिल्कुल सानिध्य एकदम करेक्ट है पार्किंग का कोड एकदम करेक्ट है नेक्स्ट वीट व्हाट विल बी द कोड ऑफ टाइल पैटर्न अब हमें दो कोड पूछे गए हैं पहला आपको टाइल का बताना है दूसरा आपको पैटर्न का बताना है हमारे गिवन कोड लैंग्वेज में टाइल और पैटर्न दोनों का कोड क्या है टाइल और पैटर्न जल्दी से बैक करो देखो जरा ये सारे कोड्स आपको लिख लेने थे सारे कोड्स लिख लो ताकि याद रहेंगे फोर करेक्ट है यानी टाइल और पैटर्न का आंसर क्या होना चाहिए टाइल का हो गया था हमारा क्या एस आर सी यही था टाइल का हमारा एस आर सी था और उसके बाद हमारे पैटर्न का कोड क्या था डी आर एफ तो एस आर सी डी आर एफ इज इन फोर्थ तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा करेक्ट है एकदम करेक्ट है नेक्स्ट इफ द कोड ऑफ स्विफ्ट कार बहुत ध्यान से अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर अटकाता कैसे है हमने कोड तो सबका निकाल लिया था अब हमें करना क्या है अगर कोड स्विफ्ट कार का ये है तो स्विफ्ट का कोड क्या होगा कार का कोड हमें पता है कार का कोड हमें पता है कार का कोड क्या था सी वी आई सीवीआई किसका कोड था कार का तो अब हमें स्विफ्ट का कोड बताना है स्विफ्ट का क्या हो जाएगा दोनों में से स्विफ्ट का बता सकते हैं क्या हो जाएगा स्विफ्ट का कोड बहुत ध्यान से यस जेड के एल करेक्ट सो हमारा आंसर होगा फोर जेड के एल इज करेक्ट जेड के एल इज करेक्ट डन यस राहुल नेक्स्ट आप ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत तरीके से इफ़ वी फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड लेटर क्या है वर्ड क्या है वर्ड है पावर पावर जो शब्द आपको मिला इसके अंदर से पहला पहला क्या होगा पी फर्स्ट होगा पी सेकेंड थर्ड क्या होगा डब्लू थर्ड फोर्थ क्या होगा ई e. और फिफ्थ क्या होगा आर इन शब्दों से आपको क्या बोला गया है देन वट विल बी द सेकेंड लेटर ऑफ दैट वर्ड अगर हम मीनिंगफुल वर्ड निकालते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर से पावर के देन वट विल बी द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड इफ मोर वर्ड आर फॉर्म्ड आपको पहले क्या करना है सबसे पहले तो ये करना है कि पी डब्ल्यू ई और आर इससे आपको एक नया वर्ड बनाना है क्या करना है नए शब्द को बनाना है बहुत ध्यान से देखो जब नया शब्द बना लोगे तब आपको बताना है नए शब्द बनने के बाद दूसरा वर्ड कौन सा है पी ओ ई आर पी ओ सॉरी पी ओ नहीं पी डब्ल्यू ई आर पी W ई -E आर ये शब्द देखो और इसे आपको नया शब्द बनाना है नए शब्द का निर्माण करना है हुँँ. जब निर्माण हो जाएगा तब सेकंड लेटर कौन सा है वो बताना है जब निर्माण हो जाएगा तो सेकंड लेटर कौन सा है वो बताना है रोप हो सकता है नहीं 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 ओ हटा दिया मैंने ओ हटा दिया W आएगा ओ नहीं आएगा W आएगा यस ओ रोप हटा दिया बच्चे ओ हट गया ठीक है बहुत ध्यान से देखो ऑप्शन फाइव और अगर कोई वर्ड नहीं बनता अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो आपको क्या करना है आंसर होना चाहिए आपका एक्स देन आंसर विल बी वाई इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड आंसर होना चाहिए एक्स अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो आंसर क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए एक्स तो पी डब्ल्यू ई आर से मुझे तो कोई वर्ड दिखा नहीं बनता हुआ मेरा आंसर होना चाहिए एक्स मुझे कोई वर्ड नहीं दिखा मेरा आंसर होना चाहिए आ, नहीं नहीं रैप भी नहीं होगा बच्चे रैप डब्ल्यू आर ए पी हो सकता था ई नहीं होगा स्पेलिंग गलत हो जाएगी रैप की ठीक है रैपर्स भी बोलते हैं ना तो डब्ल्यू आर ए पी होता ई नहीं आता इसलिए कोई वर्ड नहीं बनेगा आंसर होगा एस एक्स ठीक है डन नेक्स्ट देखेंगे नंबर्स पर ध्यान देंगे इन नंबर दिस नंबर क्या है सेवन थ्री सिक्स नाइन एट टू फाइव फोर सिक्स एट टू थ्री इफ ऑल द प्राइम डिजिट्स आर इंक्रीज बाय वन सारे प्राइम डिजिट एक से इंक्रीज हो जाते हैं मैंने क्या कहा सारे प्राइम डिजिट एक से इंक्रीज हो जाते हैं प्राइम डिजिट क्या होते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी ही टेबल में आते हैं इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आते एंड डिजिट्स आर डिक्रीज बाय थ्री और जो रिमेनिंग डिजिट है वो तीन से कम यानी घटा दिया जाए उसमें थ्री माइनस कर दिया जाएगा तीन घट जाएगा उसके अंदर वट विल द सम ऑफ द डिजिट विच आर लेस देन फाइव न्यू नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो पांच से कम होंगे हमारे नए अरेंजमेंट में ध्यान से देखना ऐसे कितने नंबर होंगे जो क्या होंगे जो पांच से कम होंगे नए अरेंजमेंट में करना क्या है बहुत इजी क्वेश्चन है बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है बहुत ध्यान से वन थ्री फाइव सेवन ओके बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर आपने निकाल दिया अब प्राइम नंबर क्या है सेवन हमारे पास प्राइम नंबर है प्राइम नंबर को इंक्रीज करना है वन से तो सेवन का हो जाएगा एट थ्री हमारे पास क्या है थ्री हमारे पास क्या है बताओ जरा प्राइम नंबर है इंक्रीज कर देंगे एक से हो जाएगा फोर सिक्स क्या है सिक्स हमारा प्राइम नंबर नहीं है ये टू की टेबल में भी आता है ये थ्री की टेबल में भी आता है तो सिक्स को थ्री से क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे ये हो जाएगा थ्री नाइन हमारा प्राइम नंबर है क्या जरा बताओ नाइन प्राइम नंबर है नहीं तो क्या बन जाएगा ये सिक्स बन जाएगा थ्री से माइनस एट हमारा क्या बन जाएगा फाइव बन जाएगा टू हमारा क्या बन जाएगा अब टू को अगर हम करेंगे सुनो टू को अगर हम देखेंगे तो टू हमारा क्या है प्राइम नंबर है कि नहीं जरा बताओ जल्दी से टू प्राइम नंबर है कि नहीं बिल्कुल है तो ये क्या बन जाएगा सिक्स फाइव के बाद क्या बनेगा सिक्स फाइव के बाद ये बन जाएगा थ्री फाइव क्या बनेगा फाइव प्राइम नंबर है तो फाइव क्या बन जाएगा फाइव बन जाएगा सिक्स फोर हमारा क्या है फोर हमारा प्राइम नंबर नहीं है इसको माइनस थ्री करो माइनस थ्री करोगे तो ये बन जाएगा क्या गया एक ठीक है सिक्स के बाद आ जाएगा वन और वन के बाद देखो सिक्स हमारा क्या है अगेन प्राइम नंबर नहीं है इसको थ्री कर दो एट फाइव बन जाएगा टू हमारा थ्री बन जाएगा और थ्री हमारा फोर बन जाएगा यही बनेगा नया अरेंजमेंट द क्वेश्चन यस करेक्ट क्लियर है अब ये बताओ नए अरेंजमेंट में हमको किसको किसको प्लस करना है जो पांच से कम है नए अरेंजमेंट में हमको किसको किसको प्लस करना है जो पांच से कम है अब पांच से कम कितने अब देखो पांच से कम वालों को पहले मैं सर्कल लगा सर्कल कर देती हूं पांच से कम 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 ठीक है क्या बोला गया डिजिट विच आर लेस देन फाइव इन द न्यू अरेंजमेंट जो पांच से क्या हो कम हो अब देखो चार और तीन सात चार और तीन सात सात और तीन दस दस और एक ग्यारह ग्यारह और तीन कितना होता है चौदह तीन सत्रह सत्रह और चार कितना होता है इक्कीस यानी टोटल संख्या हमारी कितनी आ गई ट्वेंटी वन आंसर क्या होगा आंसर होगा फोर यानी कि ट्वेंटी वन ये बताओ सबका यही आंसर आया ऑप्शन थर्ड ट्वेंटी वन वेरी गुड रूपा करेक्ट एकदम सही है मंजीत कुमार बच्चे आंसर करोगे तो नाम लूंगी ना एक बार आंसर करो ठीक है जल्दी जल्दी आंसर कर लो फिर नाम लूंगी एक मिस कर दिया था आंसर क्या आया आंसर आया ट्वेंटी वन बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यस चलो रीड द गिवन सीरीज केयरफुल इन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बहुत ध्यान से सीरीज को देखना है क्या बोल रहा है सीखने की जरूरत है बहुत ध्यान से सीखना हाउ मैनी सच सिंबल्स जैसे ही क्वेश्चन में ये पूछ ले कि हाउ मैनी सच सिंबल्स यानी हमको बताना किसके बारे में है सिंबल के बारे में सबसे पहले यहां पर लिख लो सिंबल सिंबल का मतलब क्या होता है सिंबल का मतलब होता है चिन्ह क्या होता है चिन्ह ठीक है डन तो ऐसे कितने चिन्ह हैं इस सीरीज के अंदर जो कि इमीडिएटली प्रिसीड करते हैं लेटर को तो इसके पहले क्या आएगा इसके पहले आएगा लेटर और इसके बाद क्या आएगा इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर यानी बाद में क्या आएगा नंबर यानी संख्या लेटर यानी कि आपका एबीसीडी जितने भी अल्फाबेट्स हो गए और नंबर क्या हो गए जो आपकी संख्या हो गई हमें वो चिन्ह बताना है जिसके पहले चिन्ह के पहले हमारा अल्फाबेट हो यानी लेटर हो और चिन्ह के बाद जो है संख्या यानी नंबर हो जब आप इसको इस फॉर्मेट में कर लेते हो ना तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है हमको पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमें ढूंढना क्या है हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होते इमीडिएटली फॉलोड और इमिडिएटली प्रिस में बहुत आराम से प्रिसडिड मतलब पीछे फॉलोड मतलब आगे प्रिस प्री प्री का मतलब पीछे पा से पीछे और फॉलो का मतलब आगे बस ये कंसेप्ट कंसेप्ट याद कर लोगे क्वेश्चन हो जाएगा अब जल्दी से आंसर दे दो मुझे ऑप्शन फोर्थ आएगा अच्छा आपको लग रहा है कि वन है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत ध्यान से अब देखो अब हमको नंबर ही तो ढूंढना है बस चलो लग जाओ ठीक है देखो सिंबल सबसे पहले देखेंगे इस सिंबल के आगे नंबर है क्या नहीं है हटा दो इस सिंबल के आगे हैं तो बिल्कुल हमें मिल गया सिंबल सिंबल के आगे टी टी के बाद सेवन बिल्कुल करेक्ट है फिर ये सिंबल आया नहीं है इस सिंबल के आगे नहीं है इस सिंबल के आगे नहीं है इसके अलावा इस सिंबल के आगे है दूसरा सिंबल हमें मिल गया पहला हमें मिला टी आर और सेवन दूसरा हमें मिला जे डॉलर और सेवन तीसरा ये भी नहीं है ये भी नहीं है डन तो वैसे कितने नंबर हो गए जरा बताओ करेक्ट आंसर कितना हुआ करेक्ट आंसर आपका दो तो में मिल चुके दूसरा क्या है देखो देखो जरा कितने मिल गए जल्दी से और कोई बचा है? जरा देखो एक क्वेश्चन को करेक्ट करो जरा एक गलती हो गई क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला है नॉट इमिडिएटली फॉलो यानी नंबर को फॉलो नहीं करेगा नॉट लगा वै एमरीली really, मेरा मिस्टेक है मैंने नॉट को ध्यान नहीं दिया क्या करना है नॉट इमीडिएटली फॉलोड तो हमने इमिडिएटली फॉलोड वाला लगाया दो अब वो फॉलो नहीं कर रहा है क्वेश्चन में ये बोला है तो कौन कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है ज़रा बताओ कौन कौन सा सबसे पहले हम ये देखेंगे ये फॉलो नहीं कर रहा है दूसरा हम देखेंगे ये फॉलो नहीं कर रहा है तीसरा हम देखेंगे ये फॉलो नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है ना और कौन सा अब लेटर नहीं है लेकिन यहाँ पर लेटर चाहिए लेटर नहीं है काट दो आर ई -E N यानी लेटर तो है लेकिन संख्या नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए लेटर तो चाहिए संख्या नहीं चाहिए लेटर तो चाहिए संख्या नहीं चाहिए इसमें हमको ये मिल गया फर्स्ट ये मिला सेकंड ये मिला थर्ड यानी कौन सा एम एंड लेटर है संख्या नहीं है नेक्स्ट है आपका y हैश बीटा तो लेटर तो है संख्या नहीं है r r के बाद e और एंड लेटर तो है संख्या नहीं है यानी थ्री आंसर आएगा चेक करो माय मिस्टेक मैंने थोड़ा सा इसको नोट को नहीं किया था डन क्लियर हो गया सबको यस yes, करेक्ट नहीं टू नहीं थ्री आएगा आंसर आंसर थ्री है ठीक है यानी कि वन ऑप्शन वन फॉलो होगा यस नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवनटींथ लेफ्ट एंड सिक्सटींथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड अब इस क्वेश्चन को कैसे समझना है ये ध्यान दो सेवनटीन्थ एंड और राइट एंड जब भी लेफ्ट और राइट एक लेफ्ट दिया है दूसरा राइट right दिया है क्या करोगे जब लेफ्ट राइट गिवन हो तो क्या कर देते हैं जरा बताओ जब लेफ्ट और राइट गिवन होता है तो क्या कर देते हैं लेफ्ट और राइट गिवन हो तो क्या करते हैं जरा बताओ प्लस या माइनस जब भी लेफ्ट और राइट गिवन हो तो हमको लेफ्ट और राइट को प्लस कर देना चाहिए लेफ्ट कितना बोला है सेवनटींथ तो सेवनटींथ प्लस में राइट right कितना बोला है सिक्स तो सत्रह और छः कितना होता है जरा बताओ सत्रह और छ सत्तर और छः कितना होगा सात और छः तेरह ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री कहाँ से राइट right हैंड से जो लास्ट में लिखा होता है उसी को फॉलो करते हैं लास्ट में जो लिखा होगा उसी को फॉलो करते हैं तो यहाँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ये बन गया आंसर आ गया थ्री जरा देखो यही आया सबका यही आया सबका जरा देखो डन करेक्ट 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 इफ वी रिमूव ऑल द सिंबल अगर हम सारे सिंबल्स को रिमूव कर देते हैं सीरीज में तो इतना कि, कितने नंबर है जो प्रेजेंट होंगे फर्स्ट हाफ न्यू सीरीज के नए सीरीज के फर्स्ट हाफ में कितने प्रेजेंट होंगे ध्यान से सुनो एकदम एकदम ध्यान से सारे सिंबल्स को रिमूव कर दो सारे सिंबल्स को रिमूव कर दो सारे सिंबल रिमूव हो गया फर्स्ट हाफ कैसे निकालोगे ये बताओ फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट हाफ निकालने का क्या मतलब है गिन लेंगे कितने एलिमेंट्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टी फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स छब्बीस है छब्बीस हो गया तो हमारा ये थर्टीन आया था बी तक एम से बी तक हमें कहाँ तक निकालना है एम से बी तक निकालना है अगर हम सारे सिम्बल्स को तो कितने नंबर्स हैं जो एम से बी तक होंगे सबसे पहला नंबर ये है टू उसके बाद सेवन दो उसके बाद तीन और चार पाँच कितने नंबर्स हैं पाँच करेक्ट आंसर क्या होगा फाइव देखो यही आंसर है येस क, नहीं नहीं सिक्स नहीं होगा मोहन मोहन गेमिंग फाइव होगा बहुत ध्यान से करो फाइव होगा यस करेक्ट नेक्स्ट कितने वोवल्स ऐसे हैं आर इन सीरीज में जो इमिडिएटली प्रोसीड कर रहे हैं सिंबल को जिसके तुरंत पीछे सिंबल हो कितने वोवल्स हैं जिसके तुरंत पीछे सिंबल्स हो ऐसे वोवल देखो ए के पीछे सिंबल पहला मिल गया सिंबल और ए फर्स्ट डन उसके बाद देखो सिंबल के साथ वोवल देख रहे हैं सिंबल के साथ वोवेल सिंबल के साथ वोवेल सिंबल के साथ वोवेल कोई भी नहीं करेक्ट आंसर इज वन फोर आपका करेक्ट आंसर होगा डन आपका होमवर्क होमवर्क ऑफ द डे होमवर्क करना है और होमवर्क करने के बाद ये आंसर मुझे भेजना है जल्दी से देखो और मुझे बताओ होमवर्क को देखो और मुझे बताओ यस yes, करेक्ट है करेक्ट है होमवर्क देखो और मुझे बताओ ये होमवर्क आपको करना है इसका स्क्रीन ले लो हिंदी में भी गिवन है स्क्रीन ले सकते हो इसका होमवर्क का ठीक है डन क्वेश्चन आपको गिवन है ये आपको आंसर करना है मुझे कहा ये आप मुझे आंसर करोगे अन अकेडमी ऐप के या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो आज का डाउट बाई अनअकेडमी इज देयर अगर समझ में नहीं आता है तो आज का डाउट में जाओ यहाँ पर क्वेश्चन को पूछो एक बारी में तीन डाउट पूछ सकते हो आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में जो आपकी लैंग्वेज है उसमें पूछ सकते हो टेलीग्राम पर आओ क्वेश्चन अगर समझ नहीं आए तो हमारा सेशन है टेलीग्राम पे वहाँ आके रेज हैंड करो और बोलो मैम मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आए मुझे समझाइए मैं वहाँ आपका डाउट क्लियर करूंगी क्वेश्चन अगर बन गया है तो मुझे बताओ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को तो बाउंटी प्रोग्राम जो गिवन है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप फॉर्म फिल करके प्राइस क्लेम कर सकते हो आपको करना क्या है मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर रहा है टेलीग्राम पे होमवर्क कैसे भेजोगे टेलीग्राम आईडी नोट करो टेलीग्राम आईडी क्या है लेट्स क्रैक विद निधि तिवारी मैम लेट्स क्रैक विद निधि तिवारी मैम निधि तिवारी मैम ठीक है जब इस पर आप आओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे मुझे आंसर्स भेजने हैं और कैसे मैम से डाउट पूछना है तो यहाँ पर कर सकते हो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हम कब मिलेंगे हम कल मिलेंगे 11 बजे नए क्वेश्चंस के साथ नए सॉल्यूशंस के साथ नए एनालिसिस के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर सेल्फ गुड बाय एवरी मुझे फॉलो करना होगा तो नहीं भूलना है डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक निधि तिवारी टू थ्री जीरो टू आपको वन अकेडमी पर लेकर जाएगा तुरंत जाकर मुझे फॉलो कर लो जैसे फॉलो कर लोगे आप लोग मेरी सारी क्लासेस कर पाओगे सारे डाउट्स पूछ पाओगे और मुझ तक पहुंच पाओगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर सेल्फ गुड बाय एवरी